बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी में जो आठ टॉपिक डिस्कस करना है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर सेकंड का स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स है। ये हमारे पास चैप्टर नेम स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्पोर्ट ये होता है कि सहारा, किसी भी जगह पे आप खड़े हैं या प्लांट खड़ा है या एनिमल खड़ा है, वो किस कौन सी उनमें ऐसे रिसोर्सेज हैं, क्या उनमें ऐसी चीज़ें हैं जो उसे वहाँ पर खड़ा होने में हेल्प कर रही हैं, सहारा दे रही हैं। मूवमेंट्स होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। अब हमने स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट्स की बात करनी है बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं प्लांट्स को एंड एनिमल्स को। प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट्स का हमारे पास सिस्टम है, प्लांट्स में डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, इसी तरह एनिमल्स में भी हैं। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स को स्पोर्ट होती है स्टेम के ज़रिए से, सही है। प्लांट्स में बेसिक सपोर्टिव जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास स्टेम होता है, कुछ टिश्यूज़ हैं जो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। अब एनिमल्स को जब हम स्पोर्ट की बात करते हैं तो एनिमल्स में हमारे पास सपोर्टिव जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास स्केलेटन होता है, और स्केलेटन जो है वो आगे बना हुआ होता है बोन्स का, सही है। और वो बोन्स कार्टिलेज हैं या हार्ड बोन्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। प्लांट्स की जब हमने बात करनी है तो प्लांट्स में जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है वो हमारे पास स्टेम था। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ज़रूरत होती है कि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट खुद को सपोर्ट कर सके। ग्रेविटी होता है हमारे पास कशिश शक्ल के, हम ज़मीन पे खुद को खड़ा रखने के लिए, चलने के लिए हम क्या क्या हमें ज़रूरत है। जब हमने प्लांट्स की बात करनी है तो प्लांट्स में हमने टिश्यूज़ की बात की, तो प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज़ हो जाते हैं कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये टिश्यूज़ हैं प्लांट्स में जो स्पोर्ट्स करते हैं उसको अगेंस्ट ग्रेविटी। अब स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो जब हमने बेबी प्लांट की बात करनी है कि अभी आपके पास रूट्स के बाद जो बेबी प्लांट्स छोटा प्लांट्स बन गया है, जैसे आप बात करते हो ये छोटा सा हमारे पास प्लांट्स है, या ऐसे आप कह लो जी ये हमारे पास छोटा सा एक प्लांट्स है, तो ये आपके पास क्या होगा बेबी प्लांट, इसको सपोर्ट करेगा। जो स्क्लेरेनकाइमा प्लांट्स हैं ये आपके पास अडल्ट प्लांट्स को सपोर्ट करेगा। अडल्ट प्लांट मतलब कि जब आप बात करते हो बड़े दरख्त की, उसको सपोर्ट करेगा। ये आपके पास हो जाएगा बेबी प्लांट और ये हो जाएगा अडल्ट प्लांट को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह एनिमल्स में जब हमने बात की स्केलेटन्स की, तो स्केलेटन में हमारे पास बोन्स थी, फिर बोन्स स्केलेटन में बोन्स के साथ अटैच होते हैं मसल्स भी जो बॉडी को सपोर्ट करते हैं और हेल्प करते हैं मूवमेंट्स के लिए। सपोर्ट और मूवमेंट्स जो हैं इनमें ज़रूरी होती है, हमें किस लिए सपोर्ट और मूवमेंट्स की ज़रूरत है। अब हम मूवमेंट्स की बात करते हैं तो मूवमेंट्स होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना। एनिमल्स में जो है मूवमेंट्स होती हैं, प्लांट्स में मूवमेंट्स दो तरह के लिहाज से हम कह सकते हैं। एक हमारे पास वर्ड होता है लोकोमोशन और एक होता है हमारे पास मूवमेंट्स। जब हमने मूवमेंट्स की बात करनी है तो मूवमेंट्स बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों में मूवमेंट्स होती हैं। एनिमल एंड प्लांट्स शो बोथ शो मूवमेंट्स। एनिमल में भी मूवमेंट है, प्लांट में भी मूवमेंट्स हैं। मूवमेंट होता है आप मूवमेंट एक बॉडी पार्ट की भी हो सकती है, आप कह लो कि जैसे अब मैं लिख रही हूँ तो मेरा हैंड मूव कर रहा है, सही है। इसी तरह प्लांट्स के पत्ते हैं वो मूव कर रहे हैं, वो अपने साइज से बढ़ रहे हैं, वो सूरज की रोशनी की तरफ जो है झुक रहे हैं, या जो उसकी रूट्स हैं जैसे आप कहते हैं ये हमारे पास रूट्स हैं तो ये अंडरग्राउंड सॉइल की तरफ मूव कर रही है। जो लीव्स हैं या जो उसके स्टेम हैं आप कह लेंगे सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये है मूवमेंट्स। लोकोमोशन हमारे पास होती है, आपने वाज़ा तौर पे आप देखते हो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना। जब हमने मूवमेंट्स की बात करनी है तो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स शो मूवमेंट्स, लेकिन जब हमने लोकोमोशन की बात करनी है तो ओनली एनिमल्स शो लोकोमोशन। लोकोमोशन ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह वो मूव कर गए। अब हमें मूवमेंट्स या लोकोमोशन की ज़रूरत या खुद को सपोर्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हमें इसकी नीड इसलिए होती है। हमें क्यों इसकी नीड है, इसलिए है क्योंकि हमें फूड के लिए है, फॉर शेल्टर, फिर हमें अवे फ्रॉम प्रीडेटर, प्रीडेटर से दूर भागने के लिए है, डेंजर्स अगर आपके पास हैं तो उनसे दूर भागने के लिए, इसलिए हमें जो है वो इसकी ज़रूरत है स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स की।
अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि प्लांट्स में हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स क्या है। स्पोर्ट इन प्लांट्स, अब हम प्लांट्स की बात करते हैं। जब हमने प्लांट्स की बात करनी है स्पोर्ट इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में सबसे जो बेसिक इम्पॉर्टेंट रोल है स्पोर्ट का, वो उसमें स्टेम है, बेसिक सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो है इन प्लांट्स। सपोर्टिव स्ट्रक्चर प्लांट्स में जो है वो हमारे पास स्टेम है। स्टेम जो है वो इसका फूड स्टोरेज स्ट्रक्चर भी है। स्टेम वो स्ट्रक्चर है जहाँ पे फूड स्टोरेज होती है, वेस्टेज भी उसमें स्टोर होता है। फिर वो क्या करता है, स्टेम जो है एरियल पार्ट्स जो प्लांट्स के, जैसे अब आप यहाँ मैं आपको डायग्राम ड्रा करके दिखा ही देती हूँ, ये देखें, ये आपके पास अगर स्टेम है, ये आप कह लें रूट्स हैं इसकी, ये इसका स्टेम है, ये इसमें सपोर्टिव टिश्यूज हैं, ये इसका जो है वो अपर आपके पास पार्ट है। अब आपके पास एरियल पार्ट्स ये हैं जो आपके पास ज़मीन से ऊपर ऊपर हैं, हवा में हैं, इसे हम कहते हैं एरियल पार्ट्स। और रूट्स आपकी वो वाला पार्ट है जो ज़मीन के नीचे है, ये प्लांट्स को सपोर्ट करती है, साथ उसके स्टेम सपोर्ट करता है। स्टेम में आपके पास टिश्यूज़ होते हैं। अब ये जो है हमारे पास प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स की मॉडिफिकेशंस होती हैं सपोर्ट के लिए। मॉडिफिकेशंस उसमें सपोर्ट इन प्लांट्स, मॉडिफिकेशंस के लिए प्लांट्स में जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके पास एक होता है जो उसे सपोर्ट करने के लिए है, टर्गर प्रेशर। दूसरा है आपके पास सपोर्टिव टिश्यू। थर्ड है आपके पास वास्कुलर बंडल्स। अच्छा जी, अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। टर्गर प्रेशर आपके पास होता है, जब आपने ये पूरे प्लांट्स की बात करनी है तो जाहिर ही बात है हर प्लांट्स का जो एक एक पार्ट है वो सेल से मिलकर बना होता है। जब आप सेल की बात करते हो तो सेल में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होता है जिसे आप कहते हैं वैक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल का, जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। तो वैक्यूल में सेल्स के बाहर से जो है वो पानी ऑस्मोसिस के जरिए अंदर जाता है, जिसे आप कहते हैं ऑस्मोसिस। और जब ये पानी वैक्यूल के अंदर चला जाता है तो इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास है टर्गर प्रेशर। जितना ज़्यादा अंदर पानी होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, उसे हमने कहना है ये हमारे पास है टर्गर प्रेशर। अब जब यहाँ से पानी बाहर मूव कर जाएगा एक्स ऑस्मोसिस के जरिए, ऑस्मोसिस ये है हमारे पास कि पानी अंदर आ रहा है, एक्स ऑस्मोसिस ये है कि आपके पास पानी जो है वो वैक्यूल से बाहर मूव कर रहा है, ये है आपके पास टर्गर प्रेशर। जब वैक्यूल पानी से भरा हुआ होगा तो क्या होगा कि प्लांट जो है वो आप वो जो प्लांट है वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में होगा। लेकिन जैसे गर्मियाँ वगैरह आप देखते हो वेपोरेशन के ज़रिए से पानी निकल जाता है तो प्लांट्स क्या करता है, विल्ट कर जाता है या मुरझा जाता है। सेकंड आपके पास है सपोर्टिव टिश्यूज़।